नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। मेरे साथ मेरे परम मित्र अवनीश शुक्ला जी। हम लोग राजस्थान की यात्रा पे निकले हुए हैं। चूँकि राजस्थान का काफ़ी हिस्सा हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और इस बार जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं वो मरुधर थार की यात्रा कर रहे हैं, मारवाड़ की यात्रा कर रहे हैं। आज एक ऐसी जगह हम आए हुए हैं जो उस समय तत्कालीन जैसलमेर राज्य हुआ करता था और उस समय यहाँ से तकरीबन जैसलमेर से 25 से 30 किलोमीटर दूर ये जगह कुलधरा, शायद ही कोई इस जगह से अनजान हो। कुलधरा भारत के दूसरा 100 प्लेस है। ये ऐसा गांव आज पूरी तरह से उजड़ा पड़ा हुआ है, वीरान है, जैसा कि आप पूरी तरह देख पा रहे हैं। इतिहास के बारे में बात करें तो तत्कालीन जैसलमेर के राज्य के मंत्री सलीम सिंह, जो कि बहुत ही करप्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर राज्य में पानी की समस्या, अनाज की समस्या निरंतर बनी रही है और अभी भी बनी हुई है। उस समय तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह ने यहाँ पर पाली जिला से आए हुए कुछ पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया ये 84 गांव, तकरीबन इसमें 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन थी उस समय, पर एक कर की तरह व्यवस्था लगा के कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान करने का जो काम किया था उनकी हाय आज भी इस कुलधरा ग्राम में बज रही है। उनकी श्राप आज भी इस गांव को पूरी तरह से शांत किए हुए है। बहुत सारी चीज़ें यहां पर आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि ऐसी जगह थार की जहां पर पानी की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं, अभी भी बनी हुई हैं, भले ही वो नहर आ गई इंदिरा गांधी, लेकिन समस्याएं तो अभी भी निरंतर बनी है। आज के एक शतक पहले, 100 साल पहले 19वीं शताब्दी में आप कल्पना कर सकते हैं कि पाली वाल ब्राह्मणों पर कितना अत्याचार किया गया तत्कालीन मंत्री द्वारा, जो आज इस सुनसान और उजड़े हुए गांव में कहने की ज़रूरत नहीं है, अलग से दर्शा रहा है, दिख रहा है। उस समय खेती की भी सुविधाएं नहीं होती थी, अनाज भी नहीं उगता था, किस तरीके से अपना भरण पोषण पालीवाल ब्राह्मण करते थे, उनका परिवार 84 गांव में जो बसा हुआ था। और 84 गांव पानी की समस्या होने के बावजूद भी कर जैसी मांग करना, आप समझ सकते हैं कि एक क्रूर इंसान ही कर जैसी मांग कर सकता है। पूरी तरह से उजड़ा ये जगह अचंभित करता है कि क्या यहाँ पर लोग आए हुए थे बसने के लिए, लेकिन उस क्रूर शासक मंत्री सलीम सिंह ने उनको कर जैसी चीज़ें लगा कर यहाँ से उनको हटने के लिए भेजा, जाने के लिए भेजा, दबाव बनाया। और अंत में एक समय ऐसा आया कि पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से उसको श्रापित करके यहाँ से बहुत दूर पाली जिले में जाके फिर से बस गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि निर्दयी लोग पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं और वर्तमान में भी, भविष्य में भी होंगे, लेकिन इस तरीके जहाँ पर भोजन की समस्या हो, पानी की समस्या हो, वहाँ कर जैसी व्यवस्था लगाना, आज भी कहीं ना कहीं पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये श्रापित जगह कुलधरा, जो सच में इसको बयां नहीं किया जा सकता है और देख के बड़ी पीड़ा भी होती है कि अपना जीवन जीने के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत दूर से आए हुए ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में जो श्राप कहते हैं कि ब्राह्मण का श्राप लगना, त्रेता युग में ब्राह्मण के श्राप बचने के लिए भगवान राम ने भी
और न जाने कितने लोगों ने ब्राह्मण के श्राप से बचने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए, और ब्राह्मण का जो श्राप लगा सलीम सिंह के ऊपर, ऐसी क्रूरता वाला इंसान सच में बहुत दूर होना चाहिए। और ये पूरी तरह से सुनसान पड़ा ये गांव। अब तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ये कर दिया गया है। स्टार्टिंग में उस साइड आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है, उसको लीप रखा है, लेकिन ये जो पिछला हिस्सा है आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि आज भी पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। जब भी आप जैसलमेर आएँ, कुलधरा गांव ज़रूर आएँ, यहाँ का इतिहास जानने के लिए, यहाँ के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।